बम्बई से बाहर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे किसी एक जगह पे आप लोग शूट किया करते थे, कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे, जब शूटिंग के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि डिवाइन एक्सपीरियंस था? आदिवासी थे ये, राम भगवान के चरणों में अपने बच्चे रख देते थे आशीर्वाद के लिए, एंड आई एम श्योर अरुण जी वुड बी राइट मैन टू टेल अस। एक इंसिडेंस है कि मैं एक दिन मेकअप करने के बाद, मैंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था तब तक, लेकिन मेकअप कर लिया था मैं, एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहन के बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। इन द मीन टाइम दरवाजे पर थोड़ा सा शोर हुआ, तो एक औरत का चिल्लाना सुनाई दिया। मैंने पूछा लोगों से क्या हो गया, तो बोले सर वो औरत है वो चिल्ला रही है बहुत जोर जोर से, राम जी को ढूंढ रही है। तो मैंने देखा उसको, इन द मीन टाइम वो औरत चिल्लाती हुई आ रही थी, पूछी राम जी कहाँ है राम जी कहाँ है, तो somebody ने इशारा कर दिया कि देखो वो बैठे हो। मतलब उस ड्रेस में मुझे कोई पहचानता नहीं कि भाई एक शर्ट और हाफ पैंट पहन के बंदा बैठा हुआ है, बिग विग लगा के, अजीब सा लगता है। बट उस औरत को उस वक्त का बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसके हाथ में उसका बच्चा था, वो शुगर जार जार एकदम विक्षिप्त सी अवस्था में थी वो, और उसने लाकर उस बच्चे को मेरे पाँव में डाल दिया, इसे इस बच्चे को बचा लो। मैं तो वाक रह गया एकदम, तेरा बैग मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँगा। मैंने कहा तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। बोले नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया बचेगा नहीं, अभी मर जाएगा, तुम इसे बचा लो, तुम ना हो। मुझे समझ में नहीं आया मन में क्या करूँ क्या बोलूँ, नहीं समझ आया। क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, और वो रट लगाए पड़ी कि राम तुम राम हो, तुम इसे बचा सकते। और पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ, मैंने परमात्मा से प्रार्थना की राम जी से, मैंने कहा यार प्लीज राम जी तो कर सकते हो कर दो यार इसके, मतलब ये बोला। मैंने कहा तुम ले जाओ इसे, अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, ठीक है। तो मतलब जबरदस्ती एक के साथ उस औरत को हमने भेज दिया वहां से, और 3 दिन बाद वो औरत आई, उसकी वो उसका बच्चा उसके साथ उंगली पकड़ के चल रहा। बाप रे, मुझे ये बात समझ में आई कि अगर हम वाकई निस्वार्थ होकर दिल से कुछ मांग ले, वाह क्या बात, वाह क्या बात है भाई। देखो आप लोग रामायण के 3 अनमोल रत्न हो, विद आरजी अनमोल बहुत बढ़िया। बिंदु बाजी ये बात बताओ, हनुमान के इस किरदार की बात आई, हमारे पूजनीय दारा सिंह जी की बात आई, कभी दारा जी ने आपसे कोई बात की, आपको बताया था कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ था इस किरदार में, क्योंकि रामायण से पहले भी वो हनुमान कई फिल्मों में कई जगह पे प्ले कर चुके। एक बार उनने खाली किया था, चंद्रकांत जी की फिल्म थी जय बजरंग बली, बजरंग बली, उनमें किया था उनने। अच्छा। अरुण जी के साथ तो मुझे भी मौका मिला है, वो मेरे राम बने 2-3 बार आई थिंक। आई वेंट टू द शूटिंग, मैं आपको बताया कि मैं गया था एक बार उमरगांव में, मैं जाके आप लोग सबकी इनकी शूटिंग देखी थी, अमेजिंग इट वॉज। एंड मेरे हिसाब से हमारा तो सिलेक्शन अलग ही टाइप से हुआ था। सागर साहब सॉ ड्रीम ओनली, एंड इन द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड अस अप के भाई आ जाओ दादाजी को बोलो इधर आए, एंड व्हेन डैड वेंट इट वाज फॉर हनुमान, तो डैड वाज वेरी शॉक्ड। 60 इयर्स के थे नियरली, उनको लगा कि कोई यंग लड़के करना चाहिए, सागर साहब कोई यंग लड़के को दे दो। उन्होंने कहा नहीं मुझे सपना आया और तू ही दिखा है। उनको तो सपने में ये भी दिखे थे उसी रात में, राम जी भी दिखे थे और सीता जी भी दिखे थी, लक्ष्मण भाई नहीं दिखे थे, लेकिन लक्ष्मण भाई आई थिंक ऑलरेडी फिक्स थे। ये लोग उनको कुछ ड्रीम मिली, आई थिंक अरुण जी वाज सिलेक्टेड फॉर समथिंग एल्स और समथिंग ही वांटेड टू डू राम, बट इन द नाइट इन द ड्रीम सागर साहब सॉ इट, एंड नेक्स्ट डे इन द इवनिंग वी रीच्ड देयर टू हिज हाउस। एंड मैं सागर साहब की फैमिली के साथ बहुत क्लोज था, ज्योति हमारे साथ पढ़ता था एक क्लास में, जो सागर साहब के बेटे का बेटा है, तो वी वेंट एंड देन दिस इज व्हाट हैपेंड। ये बहुत बड़ी बात है कि दारा सिंह जी की उम्र उस वक्त 60 साल की थी और उन्होंने हनुमान जी के उस किरदार को प्ले किया। अरुण जी, अनमोल जी, कुछ स्टोरीज अबाउट दारा सिंह जी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे प्लीज। यस अनमोल, मैं बताऊंगा आपको कि ही वाज सपोज्ड टू कैरी मी इन वन सीन, जो मेघनाथ के साथ युद्ध था उसमें। मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं सर आप थोड़े से उम्र है आपकी, आप नहीं कैरी पाएंगे, और उनको घुटने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उनको पहले घुटने का भी थोड़ा सा इशू था, बिकॉज आई वाज नेबर दोज डेज, सो आई न्यू हिम क्वाइट वेल। तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कैरी कर लूंगा, एंड ही कैरीड मी, आई हैड अ 70 kg वेट दैट टाइम, एंड 70 kg ही कैरीड, यू नो जस्ट इमेजिन। अरुण जी, मैं एज एन एक्टर आपसे बात करना चाहूंगा दारा सिंह जी के बारे में,
हनुमान जी के किरदार में वो शक्ति भी है, भक्ति भी है, आंखों में शरारत भी है और हर चीज का समावेश बन के दारा सिंह जी हमारे सामने थे। एक एक्टर के तौर पे आप उनके बारे में कुछ बात कीजिए। एज हनुमान, जितने भी हनुमान की जो भी आपने गुण बता दिए, यू नो, ये ताकत भी थी उनमें, वो चुलबुले भी थे, वो उनकी आंखों में शरारत भी आती थी, सभी कुछ आती थी। तो दारा जी ने वो जितने भी उनके रस थे हनुमान जी के, वो सारे के सारे रामायण में बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को मिले हैं, बहुत अच्छी तरह से देखने को मिले हैं। और एज एन एक्टर तो मैं बताऊं, आप लोगों ने तो पता नहीं, पर मैंने उनकी वो फिल्में भी देखी हैं दारा जी की, जब वो रोमांटिक हीरो हुआ करते थे एज रेसलर, वो फिल्में भी देखी है मेरठ में। तब से मैं उनको मैंने फॉलो किया है। और रामायण में तो मतलब उनको देखकर, एक तो वो इतने अच्छे एक इंसान है, वो जो उनका जो वो गुण है ना, वो अपने आप उनके बाहर झलक के आता है एकदम। और हनुमान की जो श्रद्धा है, वही दारा जी की श्रद्धा है हनुमान के प्रति और राम के प्रति, वो सारी चीजों का जो पैकेट बना है ना, वो इतना अच्छा बना है रामायण में कि उसमें मतलब अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि भाई रामायण में हनुमान होते तो दारा जी के इससे ज्यादा अच्छा रामायण में हनुमान कोई हो नहीं सकता। हनुमान में जितने रामायण में जितने भी लोग चाहते हैं, इन लोग से बेटर कौन हो सकता है। सही बात है, ये बेस्ट स्टार कास्ट और हिस्ट्री इन लोगों ने बना दी। 33 इयर्स बैक जो चीज आई थी, अभी तक अनमोल है।